इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल जो आज की वीडियो है ये रिलेटेड है स्किन केयर से अभी मेरे फेस पर कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरी नॉर्मल स्किन है एंड येस आम लुक लाइक देस सबकी स्किन ऐसी होती है किसी की स्किन पॉल लेस नहीं होती किसी की स्किन ऐसी नहीं है जिसपे थोड़े से स्पॉट्स ना हो थोड़ी अनवीवेंट ना हो सो या दैट्स माई स्किन एंड आई एम अ स्किन पर्सन मुझे मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर पसंद है सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे स्किन केयर की मानसून आने वाला है मानसून में हम सभी की स्किन चेंज हो जाती है इवन नॉट स्किन हमारा हेयर टेक्स्चर भी अलग हो जाता है इवन मानसून में मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है मीन I mean, मुझे हेयरफॉल यूजली नहीं होता लेकिन इन मानसून टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है तो इन सबके बारे में बात करेंगे एंड याद आई ले स्टार्ट दिस वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो व्यक्ति लाइक like करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माय वीडियो या स्टार्टेड एक चीज जो हम सभी के साथ बहुत ज़्यादा होती है वो ये कि हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फेस वॉश सही है कौन सा यूज करें मेरी स्किन टोन स्किन टोन नहीं मतलब मेरी स्किन कैसी है ऑयली है कम्बाइन है सेंसिटिव है नहीं पता होता तो यू कैन यूज़ दिस वन ये है गुड वाइव का फेस वॉश ये फॉर्मिंग फेस वॉश है पपाया में है आई यूज़ पपाया बिकॉज मुझे अभी थोड़े एक्ने हो रहे हैं मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मुझे मास्क एक्ने बहुत ज़्यादा होने लगे थे अभी तो मेरी स्किन बहुत हील कर रही है एंड यू कैन यूज़ दिस फेस वॉश अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक like, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं इस टाइम पे या फिर आपकी स्किन डल हो रही है इवन आपको अगर एक्ने इश्यूज हो रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस वन ये बहुत सही है ये फॉर्मिंग फेस वॉश है एंड इसके इंग्रेडिएंट काफ़ी सही हैं इसमें आपको बहुत सारे लाइक like, एंड लेमन एक्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर एप्पल एक्सट्रैक्ट है एंड बहुत सारे फ्रूटी एक्सट्रैक्ट है जो कि काफ़ी सही हैं एंड दिस फेस वॉश इज़ नो पैराबिन नो सल्फेट एंड वन मोर थिंग ये किसी भी एनिमल पे टेस्टेड नहीं है आई लव वीगन थिंग्स तो ये बिल्कुल वीगन है आई लव दैट एंड इसमें मिर्जर ऑयल भी नहीं है जो कि आपकी लाइक like स्किन के लिए जो कि लाइक अप्रूवन हो चुका है कि मिनरल ऑयल नहीं सही होता हमारे स्किन के लिए सो या आई लव दिस वन इसका टेक्स्चर बहुत फॉमी है आई रियली लव द टेक्स्चर इज सो फॉमी एंड स्मेल तो आई मीन स्मेल इज़ सो ग्रेट आई रियली लव द स्मेल वन पंप इज़ इनफ फॉर योर फेस लेकिन मेरे को नेक पे भी अप्लाई करना है तो मैंने इको पंप लिया है मैं फेस और नेक दोनों का ही तो लाइक जितने मेरे लिए फेस इंपॉर्टेंट है उतना नेक भी इंपॉर्टेंट है तो मैं दोनों पे अप्लाई करूंगी एंड अगर आप भी जस्ट फेस पे फेस वॉश लगाते हो तो नोट गुड या नेक पे भी लगाओ नेक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो आई रील लव द टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है एंड आई रील लव द स्मूदनेस मुझे बहुत पसंद है जब लाइक फेस वॉश इतने स्मूद होते हैं आई रील लव इट अगर मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको एटलीस्ट टू मिनट तक मसाज करती रहती हूँ उसके बाद में फेस करती हूँ एंड आई रियली लव इट आफ्टर फेस वॉश आई फील सो गुड ऑन माई स्किन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही लाइक सॉफ्ट सी स्किन हो गई है सो आई रियली लव इट एंड स्किन पे यू कैन सी थोड़ी सी डिफरेंसेज दिख रहे हैं प्राइस है टू थर्टी फाइव रुपीज फॉर वन फिफ्टी एम एल तो आई थिंक इस का ना वर्थ इट क्योंकि जो मेरा दूसरा फेस वॉश था वो टू एटी समथिंग का था ऑलमोस्ट ऑफ थ्री हंड्रेड का हो गया होगा तो ये मुझे टू थर्टी फाइव में वन फिफ्टी एम एल मिला है तो आई रियली लव दिस वन फॉर द सेकंड स्टेप आई एम यूजिंग दिस स्क्रब ये है गुड वाइफ्स का रोज एंड जेनेरियम का स्क्रब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसकी स्मेल बहुत अच्छी है आई रियली लव दिस स्मेल एकदम लाइक एक, ऐसा लग रहा है एक्चुअल में रोज मेरे सामने ऐसी स्मेल आ रही है सो so, इसके लिए मैं बस यूज करने वाली हूँ डिस मच स्क्रब आई एम पुटिंग ऑन माई फेस एंड वन मोर थिंग अगर किसी को नहीं पता तो रोज का क्या होता है ना रोज़ से आपकी अगर स्किन ड्राई है तो रोज इज़ गुड फॉर दैट एंड जेरेनियम का आई डोंट नो अबाउट दैट मैंने जस्ट गूगल किया है तो ये भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं या फिर आपकी एक्नीप्रॉन स्किन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है सो यू कैन यूज़ इट आउट आई थिंक मैंने ज़्यादा लगा लिया है एंड स्क्रब लगाते टाइम आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए वो है कि यूज़ योर लाइट हैंड बहुत ही लाइट हैंड आपको स्क्रब यूज़ करना चाहिए अदरवाइज़ ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है मैं अपनी नेक पे भी लगाऊंगी सो आम द पर्सन मुझे अगर मैं कुछ फेस पे लगा रही हूँ तो नेक पे भी लगाना है सो यूज़ योर लाइट हैंड जितना लाइट हैंड यूज़ कर सकते हो यूज़ इट इवन दो आई यूज़ वाटर बिकॉज ये आर इतना डा ये बहुत टाइट हो जाता है तो वाटर से क्या होता है थोड़ा सा लाइक लिक्विड ही हो जाता है वेन यू एक्सपोलिएट योर स्किन तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज एक्सपोलिएशन में क्या होता है ना आप अगर ज़्यादा टाइटली कर लेते हो तो स्किन पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है कभी कभी किसी की स्किन से ब्लड आने लगता है तो प्लीज़ यूज़ अ वेरी लाइट हैंड वेन यू एक्सपोलिएट योर स्किन लाइक बहुत ही जेंटली मसाज करनी होती है एक्सपोलिएशन के साथ टाइम पे सो so, ये जो एक्सपोलेशन है इस पर लिखा हुआ है ये स्किन टाइटनिंग के लिए है एंड आई रियली लव इट इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और जो इसमें फॉलिकल्स हैं बहुत ही लाइक बहुत सादा इज लाइक बहुत छोटी छोटी सी फॉलिकल्स हैं इतना पता नहीं चल रहा बस या यू कैन फीड इट सो प्लीज़ बी केयरफुल बहुत स्मॉल्स फॉलिकल्स हैं जो हम यूजली एवरी यूथ वगैरह का करते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े चंक्स होते हैं तो इसमें बहुत लाइट्स हैं सो प्लीज़ बी जेंटल आप ये स्क्रब वो वीक में टू टाइम्स या थ्री टाइम्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो एंड डेली नहीं कर सकते यू कॉन्ट एक्सफोलिएट योर स्किन डेली दिस इज नॉट गुड ये बहुत बेकार है आपकी स्किन के लिए तो प्लीज़ एक्सफोलिएट योर स्किन वीक में टू टाइम्स वन टाइम्स या थ्री टाइम्स से ज़्यादा मत करना नेक्स्ट स्टेप है वो रिलेटेड है हमारे बालों से तो अगर आपके भी बाल मानसून आने पर बहुत फ्रिजी हो जाते हैं मेरी तरह और बहुत हेयरफॉल होता है तो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट ये है गुड गुडवाइव का हंड्रेड परसेंट प्योर कोल्ड प्रेस आर्गन ऑयल मुझे काफ़ी पसंद है आर्गन ऑयल और ये भी नो जी है इसमें एंड ये किसी एनिमल पर टेस्टेड नहीं है और ये एकदम वेजिटेरियन है आई रेली लव इट और मैं इसको अपने बालों में यूज़ करती हूँ बस अपने बाल पे नहीं फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो तो, तो मैंने इतना अपने लिया है पाम्स में एंड मैं इसको अपने हेयर पे यूज़ करने वाली हूँ आई रिल लव ऑर्गोनॉइल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इससे पहले भी मैंने आर्गोनॉल यूज़ किया है और आई जस्ट रेडी लव ऑर्गोनॉइल आपको बस अपने बालों में लगाना है और बहुत अच्छे से मसाज करनी है एंड आपके जो बालों में जो फ्रिजनेस के इश्यूज होते हैं और अगर आपके हेयर फोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये उसके लिए काफ़ी सही है आई लव दैट आप इसको अच्छे से अपने बालों में यूज कर सकते हैं मुझे ऑर्गन ऑयल का सबसे सही ये लगता है कि लाइक जो नॉर्मल ऑयल होता है अगर उसको आप अपने हेयर में लगा लो तो उसके बाद आप बाहर जाते हो यू फील लाइक चिप चिप सो ऑर्गन ऑयल में ऐसा कुछ नहीं है आप जस्ट यूज़ करो जैसे नॉर्मली आप जाते हो बाहर आप बाहर जा सकते हो ऑर्गन ऑयल का पता ही नहीं चलता कि बालों में तेल है या नहीं है सो so, मुझे काफ़ी पसंद है ऑर्गन ऑयल तो ऑर्गन ऑयल है ये सिर्फ हेयर के लिए नहीं है यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस लाइक वन टू ड्रॉप्स ये जो आर्गन ऑयल है ये आपकी स्किन के लिए भी काफी अच्छा है अगर आपको बहुत ज्यादा स्कार्स हैं तो ये उनको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है अगर आपको ब्लैमिशेज और आपको ब्रेकआउट्स का इश्यूज हो रहे हैं तो उसको भी ये बहुत हेल्प करेगा रिड्यूस करने में एंड आपको इसी तरह से मसाज करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ जिससे कि प्रोडक्ट आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए आई रियली लव दिस प्रोडक्ट इट्स सो गुड स्किन सी दैट कि बहुत अच्छा सा ग्लो आ रहा है फेस पे इतना चिपचिप वाला नहीं है बहुत लाइट सा ग्लो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्किन मॉइस्चराइजर से रिलेटेड तो मैं ना यार दिन में इतना अपना स्किन को हाइड्रेट नहीं करती मैं रात में स्किन हाइड्रेट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि दिन में हम बाहर जाते हैं धूल मिट्टी सो तो सब अजीब सा हो जाता है तो नाइट में आपको अच्छे से अपनी स्किन पे सारे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए एंड देन सो जाना चाहिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है दिस वन ये है गुड वाइव्स की नाइट क्रीम ये है ककाडू प्लम आई थिंक इफ आई एम नॉट प्रनाउंसिंग रॉन्ग सो ये नाइट क्रीम है ये भी सेम है ये भी नो सल्फेट नो पैराबिन्स एंड ये भी हंड्रेड परसेंट वीगन है एंड इसमें भी कोई मिनरल्स ऑयल नहीं है विच इज़ सो ग्रेट आई थिंक थोड़ा नहीं मैंने बहुत ज्यादा ले लिया ये जो नाइट क्रीम है इसके अंदर आपको मिल जाएगा रिच वाइटमिन सी एंड कैकडम जो कि आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको एनहेंस करने में काफी हेल्प करेगा कभी कभी क्या होता है ना हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल होने लगता है तो ये उसको एकदम एनहेंस करने में काफी हेल्प करेगा एंड आपकी स्किन इससे काफी सॉफ्ट हो जाएगी बहुत नेचुरल ग्लो मिल जाएगा आपको मुझे नाइट क्रीम इसलिए पसंद है क्योंकि दिन में हम कितना भी हाइड्रेट कर लें नहीं अच्छे से बट नाइट प्रोडक्ट को अगर आप लगा के सो जाओ तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं